जस्ट अभी धुली है एंड टीवी से शोरूम पे आए थे। वेलकम बैक टू द चैनल आज यानी नई शुरुआत नए ब्लॉग के साथ। तो अभी यहाँ से चल रहे हैं एक शादी में जो कि है जलसा, कोई पैलेस है उसमें। सो मैंने कभी गया भी नहीं है सो इसीलिए आज निकल रहा है वहाँ पे। एंड टाइम देखो, अरे भाई अब दिखा दे, 8:33 हो रखा है। तो यहाँ से निकलते हैं, बाकी तैयार हो गए तो भाई और बार रही तो चलते हैं भाई। गंदा तो है फिलहाल, फिलहाल निकल रहे हैं यहाँ से जल्दी से। एंड नॉन कपड़े डाल लिए, फिलहाल चलते हैं यहाँ से जल्दी से, कैमरा गंदा है। वेलकम बैक मतलब चैनल पे तो वेलकम तो कर ही लिया मैंने, बाकी यहाँ से निकल रहे हैं अभी शादी के लिए। एंड ज़रा डीप कर लें ज़रा हम, बाकी यहाँ से निकलते हैं शादी के लिए। एंड टाइमिंग आप लोगों को दिखाई दिया है, बाकी निकल रहे हैं जलसा के लिए, आप लोगों को जैसे बता दिया है। बाकी बिल का एक है, एक बिल पड़ा हुआ है, चश्मा पड़ा हुआ है, फ़ोन पड़ा हुआ है, बाकी निकल रहे हैं यहाँ से। एंड दिखाते चल गए आप लोगों को कैसी क्या जलसा का पैलेस वैलेस है, बाकी सारी चीज़ें आते हैं। पेट्रोल की ज़रूरत नहीं, काफ़ी पड़ा हुआ है ऑलरेडी, दिख नहीं रहा होगा आपको लाइट के मारे। फिलहाल निकल रहे हैं, ज़रा नीचे की लाइट जला लें थोड़ा देर में ना, फिलहाल चलते हैं। ऐसे कपड़े पहन लिए कैजुअल से, बाकी निकल रहे हैं जल्दी से यहाँ से, दिखाते चल के आप लोगों को कैसा क्या है। चलते हैं ज़रा ब्लूटूथ कनेक्ट करते हैं एंड निकलते हैं यहाँ जल्दी से। चलो भाई भैया निकल रहे हैं यहाँ से एंड दिखाते हैं चल के आप लोगों को, थोड़ा सा ब्लूटूथ कनेक्ट नहीं है एंड उसका मेरी गली में भैया बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ना निकालने देते हैं और ना ही निकलने देंगे, समझ रहे हो ना। तो आप लोगों को नहीं समझा सकते वो चीज़ हम। तो आ गए भैया जलसा बैंक्वेट लॉन। गाड़ी जस्ट अभी धुली है एंड टीवी से शोरूम पे आए थे। एंड ये गाड़ी धुली देखो जरा कैसी भाई, इन्हें पोछी तक नहीं है, फर्स्ट प्रोसेस गॉन रॉन्ग। सो वेलकम बैक टू द चैनल आज मैं दिनेश अपने ब्लॉग पर। सो ये ब्लॉग पुराना ही है एंड जस्ट मैंने ये शूट नहीं किया था, एक बार एंड नहीं किया था। एंड पहली बार तो दो पार्ट में है, शादी और स्कूटी की सर्विसिंग राइड, तो ज़्यादा ब्लॉग बनाया नहीं था क्योंकि अपने लड़ाई लड़ाई में हो गई थी।
होती रहती है, हरदोई में अक्सर लड़ाई होती रहती है। फिलहाल इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बताएंगे आपको उस दिन कि क्या क्या हुआ था। एंड फिलहाल अभी जस्ट यहाँ पे आए हैं, थोड़ा एक्सप्लेनिंग करिए। अरे बहुत घटिया लग रहा था यार। फिलहाल इस वीडियो को करते हैं, सर्विसिंग अच्छी खासी हो गई थी तो अपनी सेकंड सर्विसिंग थी। एंड शादी जलसा वाले रेस्टोरेंट में शायद है, तो पता नहीं अलग अलग डालेंगे या एक मिनट, पहले फिलहाल तो एक में डाल देंगे। बहुत सारे ब्लॉग हमें एडिट करने हैं, अलग अलग करते करते बहुत हो जाएंगे। फिलहाल इस वीडियो के लिए रुकते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब। एंड सेकंड सर्विसिंग कैसी रही? आम आम ठीक एक ठीक, एंड ज़्यादा उसमें कुछ चेंज साफ ज़्यादा किया नहीं। एंड हरदोई वालों से एक्सपेक्टेशन जो रहती है ना बाइक सर्विसिंग और स्कूटी सर्विसिंग की, बिल्कुल घटिया रहती है। मतलब एक होता है ना एक एक्सपीरियंस का, रत्ती भर मतलब काम नहीं करते, मतलब फ्री है सर्विसिंग, आपको कुछ नहीं करके देंगे वो कंपनी वाले। फिलहाल मेरा एक्सपीरियंस बहुत बुरा रहा, उसमें बस ऑयल चेंज कर दी, ये सर्विसिंग नहीं होती मेरे ख्याल से। एंड बाकी बाइक का भी मेरा यही हाल है। एंड फिलहाल क्या ही कंप्लेन करेंगे, तो चीज़ें होती ही रहती हैं। फिलहाल लखनऊ में इसका अलग एक्सपीरियंस होता है, बाकी नॉर्मल एक्सपीरियंस स्कूटी सही चल रही है। बाकी दो प्रॉब्लम मैंने बताई थी वो अभी तक रिजॉल्व नहीं हुई, ऑलमोस्ट 1.5 महीना हो गया। एंड ये वीडियो बाद में शूट कर रहे हैं, वो वीडियो छूट गया था वो उस सीरीज चक्कर में। एंड फिलहाल इस वीडियो को लाइक करते हैं, एंड लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। एंड सेकंड सर्विसिंग का मेरा ये एक्सपीरियंस था, बाकी जो जलसा जो लॉन है मैरिज लॉन उसका लुक देख लीजिए, छोटा मोटा ब्लॉग बनाया था, बाकी ज़्यादा कुछ दिया नहीं। सो इधर रखते हैं इस ब्लॉग के लिए, बाय बाय, एंड मिलते हैं अगले ब्लॉग के साथ। मैं रोमन सारंगी सही आजा।